कोटा के विनर सिद्धार्थ शुक्ला ने बिग बॉस 14 की शुरुआत में घर के अंदर एंट्री की थी एक सीनियर के तौर पर। सिद्धार्थ, हिना और गौहर घर के अंदर सीनियर बनकर आए थे और 2 हफ्तों तक कंटेस्टेंट्स के साथ मिलकर ऑडियंस को खूब एंटरटेन किया था। लेकिन उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला ने दोबारा बिग बॉस 14 में एंट्री नहीं की। लेकिन अब बिग बॉस 14 में फैंस का इंतजार एक बार फिर खत्म होने वाला है, क्योंकि एक बार फिर फैंस को देखने को मिलने वाले हैं बिग बॉस के घर के अंदर सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला का गेम बिग बॉस की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। बिग बॉस 13 के टीआरपी किंग कहे जाने वाले सिद्धार्थ शुक्ला एक बार फिर बिग बॉस के घर के अंदर एंट्री ले रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार बिग बॉस के घर के अंदर सिद्धार्थ ही नहीं, रश्मि देसाई भी आ रही हैं। रश्मि देसाई भी बिग बॉस 14 में एक बार एंटर कर चुकी हैं, लेकिन सिद्धार्थ और रश्मि पहली बार साथ एक वीकेंड पर बिग बॉस के घर में एंट्री करने जा रहे हैं। सिद्धार्थ बिग बॉस के घर में आएंगे तो लाजमी है कि वो घर के अंदर आकर बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ मुलाकात भी करेंगे, टास्क भी करेंगे और इसके बाद उनके गेम के बारे में बातचीत भी करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार सिद्धार्थ शुक्ला काफी बिजी होने की वजह से शो को लगातार फॉलो तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जितना देखा है उसके अनुसार उन्होंने अपने फेवरेट्स जरूर बना लिए हैं। आपको याद होगा कि सीजन की शुरुआत के दूसरे ही हफ्ते में राहुल वैद्य घर से आउट होने की कगार पे थे। हिना और गौहर ने मन बना लिया था कि निशांत और राहुल में से किसी एक को घर भेजा जाना चाहिए, लेकिन उस समय सिद्धार्थ ने हिना और गौहर का डिसीजन बदलते हुए राहुल वैद्य और निशांत को सपोर्ट किया था। और आज आप देख ही सकते हैं कि राहुल वैद्य इस सीजन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट्स में से नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि सिद्धार्थ की नजर में राहुल वैद्य नहीं बल्कि रुबीना दिलैक बन सकती हैं इस सीजन की विनर। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला के अनुसार रुबीना दिलैक इस सीजन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट है। हालांकि सिद्धार्थ ने जब घर के अंदर एंट्री की थी तो सिद्धार्थ और रुबीना के बीच में ज्यादा बन नहीं पाई थी और दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा देखने को मिला था, लेकिन बावजूद इसके सिद्धार्थ को भी लगता है कि रुबीना इस शो की विनर बन सकती है। वहीं सिद्धार्थ वीकेंड के वार पर आकर और कौन कौन सा फन करते हैं और ऑडियंस को किस तरीके से एंटरटेन करते हैं वो तो आपको एपिसोड टेलीकास्ट पर नजर आ ही जाएगा। वैसे आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस सीजन का विनर कौन बन सकता है। वहीं अगर आपने हमारे चैनल क्रिस क्रॉस इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।